नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंकॉम फॉर्मुलेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज निकल के आती है या जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक लेवल को, हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाया है। इस शेयर में अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, बहुत दिनों से जो है इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही थी और हमने आपको इसमें सबर करने को बोला था कि आप इसमें जो है पेशेंस रखिए, पेशेंस से आपको तगड़ा पैसा बनेगा। और आप देखिए, अगर आपने पेशेंस रखा होगा, आपने मेरी बात को माना होगा, तो देखिए लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और ये शेयर काफी ज्यादा ऊपर आप जा चुका है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इसमें ये तेजी देखने को मिल रही है, ये तेजी कब तक बरकरार रहेगी, इसका आगे का क्या टारगेट रहने वाला है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको क्या इसमें अगली मूव लेनी चाहिए, और आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना नेक्स्ट कदम इसमें क्या उठाना है, आपको किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। साथ में देखेंगे इसके आगे के टारगेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। और साथ ही साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको जो है फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं, ये सारी सुविधा जो हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। पर डे जो हम आपको इसमें 3 से 4 इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, और आपको हमने एक पेनी स्टॉक की लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है, तो उस लिस्ट को भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा जो है हमने आपको पेनी स्टॉक की लिस्ट भी दे रखी है, जो आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। वही पेनी स्टॉक हमने आपको उसमें लिस्ट में दिए हैं जो कम आपको रिस्क में ज़्यादा पैसा बना के देंगे। और लॉन्ग टर्म की भी एक लिस्ट है, वो भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। और जो हमारी पेनी स्टॉक की लिस्ट है उसमें हमने आपको सिंकॉम फॉर्मुलेशन पहले ही सजेस्ट किया था। तो ये शेयर लगातार जो है तेजी अभी भी पकड़े हुए हैं। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं अपना लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के लिए या पेनी स्टॉक में पैसा लगाने के लिए, या हमने इसमें जो अपना सेक्टर वाइज भी काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कर रखी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप जाकर चेक कर लीजिए। ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसी क्या ट्रेड चल रही है सिंकॉम फॉर्मुलेशन के आज के दिन। देखिए आज भी इसमें ऑलमोस्ट 1.86, मतलब कि 1.86 रुपये की इसमें तेजी, ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट। तो ये बहुत बड़ा जो है तेजी इसमें आज के दिन देखने को मिल रही है। 11.20 रुपये पर ये पहुंच चुका है। वन वीक की बात करें तो वन वीक में देखिए इसमें ऑलमोस्ट 58% जो है रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट 4.11 रुपये की तेजी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में। तो आप खुद देखिए कितने तेज ये शेयर ऊपर की तरफ भागा है। वन मंथ की बात की जाए तो वन मंथ में ऑलमोस्ट 85.43% की जो है इसमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5.16 रुपये की तेजी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक महीने में देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 230.38% इसकी रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि धमाकेदार इस कंपनी ने पैसा ला के दिया है। अगर बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी को हम बहुत पहले से आपको सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं। हमने बहुत नीचे के लेवल में आपको बाइंग कराई थी, आपको याद होगा हमने आपको लगातार बोला था कि इसमें गिरावट आ रही है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हमने आपको ये बोला था ये कंपनी बहुत जल्दी तेजी पकड़ेगी और फिर रुकने का नाम नहीं लेगी, ये बात हमने आपको बोली थी। और अभी भी मैं इसी बात पर अडिग हूँ कि ये शेयर बहुत ज़्यादा प्राइस जो है डिजर्व करता है, लेकिन ये अभी बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये मौके बहुत कम निकल के आते हैं। तो ये मौका अगर आपने पकड़ा होगा, आपने सही समय पर जो है इस शेयर को खरीद लिया होगा, तो काफ़ी आप फायदे में रहे होंगे, क्योंकि देखिए कितने तगड़े रिटर्न इसने बना के अभी तक ये दे चुका है। कंपनी की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी प्रॉफिट में भी है, कंपनी पर किसी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं है, और ये अपना फार्मा सेक्टर की कंपनी है। और इंडिया जो है फार्मा सेक्टर में लगातार ग्रो कर रहा है और इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में फार्मा सेक्टर में। तो हमने आपको इसलिए बोला था कि कंपनी आपको बहुत तगड़ा पैसा ला के देगी, क्योंकि फार्मा इंडिया बहुत तेज ग्रो कर रहा है और अभी और भी बाकी है फार्मा को ऊपर जाने में इंडिया में। तो इसलिए जो है सिंकॉम फॉर्मुलेशन आपके लिए आइडियल कंपनी थी। अगर आप जो है ज़्यादा अपना पैसा निवेश नहीं कर सकते, जैसे आप डॉक्टर रेड्डी है या सिप्ला है, जो वो सारे काफ़ी महंगे शेयर हैं, तो सिंकॉम फॉर्मुलेशन एक ऐसा शेयर था जो आप आराम से अफोर्ड भी कर सकते थे, मतलब कि और अच्छा रिटर्न भी आपको इन कंपनियों से मिल सकता था। ये तो बात रही कंपनी की, तो कंपनी धमाकेदार है, अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा मौका है अगर आपको जो है इसमें अभी भी आप इसमें इंटरेस्टेड है। तो हम चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। तो आपको याद होगा हमने आपको 5.70 रुपये काफ़ी अच्छे से आपको याद होगा, ये हमने आपको लेवल दिया था कि ये लेवल आपका रहेगा फ्रेश बाइंग का। अगर आपको बाई करना है तो इस लेवल पर आप बाई कर दीजिए और लॉन्ग टर्म में जाइए, अपना आप जो है स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 5 रुपये के आसपास का रखिए, मतलब कि 70 पैसे के आसपास का आपका लॉस होगा अगर इसमें गिरावट आएगी, आपका अगर इसमें पैसा डूबेगा तो 70 पैसे डूबेगा। अगर लेकिन पैसा बनेगा तो कहाँ तक जा सकता है, हमने आपको अपना टारगेट दिया था 9.48 रुपये का लॉन्ग टर्म का। देखिए ये कितने जल्दी अचीव हो गया, इसने पहले हमारा जो और टारगेट था 7.36 रुपये इसको अचीव किया, फिर इसके बाद 8.13 रुपये इसको अचीव किया, फिर 8.90 रुपये इसको भी अचीव कर लिया, और 9.48 रुपये इसको भी ये तोड़कर ऊपर जा चुका है। लगातार इसमें तेजी पे तेजी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा देखिए अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है,
दिक्कत ये है कि इसका RSI जो है देखिए थोड़ा सा अब ओवरबॉट जोन में पहुंच रहा है, मतलब कि ये इसमें थोड़ी सी गिरावट अभी हल्की फुल्की देखने को बहुत जल्द मिल सकती है, लेकिन अभी नहीं आएगी क्योंकि इसका RSI अभी इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा है, अभी 82-83 चल रहा है, मतलब कि अभी इसमें और भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है, तो आपका अगला टारगेट जो है वो मैं आपको बता दूँ क्या है, अपना लास्ट टारगेट, आपका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 14.62 रुपये का, ये आपका है नेक्स्ट टारगेट, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। और आपको जो है इस लेवल पर पहुंचने के बाद अपनी थोड़ी सी जो है अपना थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें हो सकता है कि इस लेवल के बाद से गिरावट आपको देखने मिलनी चाहिए, 14.57 रुपये, 5.10 रुपये आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है इसमें थोड़ा सा अब नज़र बना के रखिए क्योंकि इसमें हो सकता है कि बहुत जल्द गिरावट देखने को भी मिल जाए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर इसमें बाइंग कर रखी है वो हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलें, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें नज़र रखना है। जब ये 14.57 रुपये के लेवल के आसपास तक पहुँचे तो आप जो है इसमें अपना नज़र बना के रखिए, और आपको अगर हो सके तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक भी इसमें कर सकते हैं, मतलब कि पार्शियल जैसे आपके पास 100% शेयर है तो आप 50% 70% शेयर इसकी बेच के 30% होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं तो, वरना आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको टारगेट दे दिए हैं, मेरा तो आपको मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप जो थोड़ा सा इसमें वेट कीजिए, थोड़ा सा 1-2 दिन आप इसमें देख सकते हैं, इसका RSI अभी बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचा है, अगर इसमें गिरावट भी आती है तो 1-2 दिन गिरावट आएगी दोबारा से तेज़ी पकड़ेगा, तो आप जो है इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा आप पार्शियल प्रॉफिट बुक भी इसमें कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो सही समय है पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का, मतलब कि आपने तगड़ा पैसा ऑलरेडी कमा लिया होगा इससे, और इसमें गिरावट अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी इसका ओवरबॉट चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन ओवरबॉट जोन में काफ़ी ज़्यादा नहीं चला है, तो इसमें अभी और भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो मैंने आपको लेवल दिए हैं इन लेवल से अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका अब सपोर्ट नंबर 1 जो है वो आपका 9.48 रुपये का सपोर्ट नंबर 1 रहेगा, ये जो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट लेवल थे, ये आपका जो मेन सपोर्ट है वो 9.48 रुपये पर है, क्योंकि ये आप रेजिस्टेंस टूट चुका है, जब रेजिस्टेंस टूटता है आपको पता है तो वो काम करता है किसका, सपोर्ट का। तो ये आपका 9.48 रुपये का लेवल है किस चीज़ का, सपोर्ट का। बाकी जब ये नीचे आएगा तब हम आगे की बात करेंगे, अभी जब ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर की बात करते हैं। तो आपका टारगेट जो है वो है आपका 14.57 रुपये का, तो आप इन लेवल के हिसाब से अपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाइंग करना है तो बाइंग भी अभी आप कर सकते हैं, और जो करंट लेवल है इस पर भी आप बाइंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं बाइंग करना तो। बाकी इसमें आप लॉन्ग टर्म में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आपका तगड़ा पैसा इस कंपनी से बनेगा, और आपको अगर इसमें प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक भी आप अभी कर सकते हैं अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। और आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका अभी भी काफ़ी अच्छा मौका है बाइंग करने का, आपका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 14.57 रुपये का बाइंग करने के बाद अभी, ठीक है। तो आप जो है अपना थोड़ा सा नज़र मार रखिए इस शेयर में, काफ़ी तगड़ी तेज़ी इसमें बनी हुई है अभी भी, काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है, और ओवरबॉट जोन में है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरबॉट जोन, क्योंकि गिरावट आपको कभी भी देखने को इसमें मिल सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क इसमें हो जाइए, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना पैरम पर बना रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।